कायपोचे मेरी किताब एक आई थी 2008 में, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, उस पर आधारित फिल्म है जो अभिषेक कपूर रॉक ऑन डायरेक्टर ने बनाई है विद सुशांत सिंह राजपूत एंड अमित सद एंड राजकुमार यादव. एंड इट्स रिलीजिंग ऑन फेब्रवरी 22, मेड बाय यूटीवी फिल्म्स. एंड यू नो द प्रोमोज वगैरह जो बाहर आए हैं, बहुत ही पॉजिटिव बाज़ आया है, स्पेशली यूथ में इस फिल्म का काफ़ी चर्चा में है. और ये किताब भी काफ़ी हिट रही थी, इसके काफ़ी 1 करोड़ प्लस रीडर्स हैं. सो अब देखना ही है कि यू नो फिल्म का कैसा रिस्पॉन्स आता है, और हम काफ़ी वेट कर रहे हैं उसकी. हमारा देश में कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जिसकी वजह से देश में बातचीत होती है, काफ़ी मुद्दे उठते हैं, काफ़ी देश के पैशंस हैं. और जब मैंने ये किताब भी लिखी थी, जब ये कहानी भी लिखी थी, तो मैंने कहा कि क्या मैं ऐसी कहानी बना सकता हूँ जिसमें भारत के सारे मेन पैशन हों. काफ़ी बोल्ड एम्बिशन था कि और भारत के क्या क्या पैशन हैं. आप देखिए, रिलीजन हम लोग काफ़ी मानते हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, यू नो करियर, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप, लव, और ये सारी चीज़ें मैंने कहा एक कहानी में कैसी डाली जा सकती है. तो मेरे माइंड में ये एक कहानी आई जो गुजरात में मैंने सेट की, और मुझे लगा इसमें ये सब आ जाता है. और इसके अलावा भी एक और पैशन होता है, वो है मूवीज़. तो आज वही कहानी जिसमें सारे इंडिया के पैशन है, एक और पैशन के रूप में बाहर आ रही है, मूवी के रूप में. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है, और कैसे ये फिल्म कनेक्ट करती है. दोस्ती की कहानी है, लेकिन मिडिल क्लास दोस्ती की कहानी है. पहले बिल्कुल नर्वसनेस थी कायपोचे के बारे में, बिकॉज़ इसका हमारे पास कोई बड़े स्टार नहीं थे. लेकिन जिस तरीके से मैंने प्रोमो का रिस्पॉन्स देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे अगर प्रोमो के व्यूज़ देखें और किसी और स्टार फिल्म के व्यूज़ देखें, तो काफ़ी सिमिलर हैं. तो मुझे लगता नहीं कि कोई इतना फ़र्क पड़ रहा है. इनफैक्ट ये नए की वजह से एक फ्रेशनेस फिल्म में दिख रही है. आई थिंक होगा, चाहे मैं जितना भी कह लूँ, होगा ही, बिकॉज पिछली किताब पर वो बनी थी. एंड कई बार हमें ये भी लगता है कि अरे यार, किससे कंपेयर कर रहे हो. इट्स लाइक आप 70s में कोई फिल्म बनाओ न्यू कमर्स के साथ, और आप बोलो अच्छा शोले से बेटर है कि नहीं. एंड यू नो बिकॉज 3 Idiots इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी फिल्म, इट्स मतलब सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म रही है हमारी बॉलीवुड की 100 साल की हिस्ट्री में. तो लेकिन ऑब्वियसली उसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, इसमें स्टार कास्ट लोअर है. न्यू कमर फिल्म के हिसाब से इसको मेजर किया जाए, आई थिंक, और इस कहानी का इम्पैक्ट देखा जाए. आप लेकिन 3 Idiots और ये फिल्म दोनों साथ साथ देखेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि एक फिल्म कमज़ोर है और एक नहीं है, दोनों बराबर की हैं. आई वुड से कायपोचे हैज़ बीन मेड एज गुड एज 3 Idiots. बहुत मोर देन सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी. आप किसी भी फॉरगेट इंडियंस, आप किसी को भी ये फिल्म दिखा सकते हैं. तो इतने उच्च स्तर की बनी है कि यू नो ऐसे देख के सच में टच करती है बहुत ज़्यादा. आई मीन इतनी इमोशनल शायद ही कोई होगा जो फिल्म से मूव नहीं होगा देखने के बाद. बिकॉज इवन यूरोपियन ऑडियंसेस, जिन्हें ना गुजरात पता है, ना इंडिया पता है, ना क्रिकेट पता है, ना हिंदू रिलीजन पता है, ना मुस्लिम रिलीजन के बारे में ज़्यादा पता है, वो इतना मूव हुए हैं फिल्म से. सो एंड वो सब टाइटल्स पर देख के बोलेंगे. सो आई थिंक यहाँ तो कुछ बात ही और होने वाली है.